जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। उत्सव उल्लास। बाई का आगामी जीवन विविधताओं से भरा हुआ है। उनके विविध कार्य, व्यापारों तथा भाव स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि उनके जीवन की धारा दो तटों को छूते हुए बह रही है। एक तट है एकांत प्रियता वाला और दूसरा तट है सार्वजनिकता वाला। बाई की अंतर्मुखता का, विरह आकुलता का, दर्शन उत्कंठा का, प्रेम आनंद का जैसा वर्णन पूर्व के कुछ अध्यायों में आया है, वह तो इन दिनों उनके एकांत जीवन में रहा ही। इसी के साथ साथ बाई में ऐसी नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ कि वे अपने सार्वजनिक जीवन में श्री महिला संघ की अनेक गतिविधियों का बड़ी सफलता के साथ नियमन और संचालन करने लगी। संपर्क में आने वाली बहनों की आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से यह संचालन नियमन अति आवश्यक था। श्री महिला संघ की अनेक गतिविधियों में बाई के द्वारा जो संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन हुआ, यह प्रिया प्रियतम के दिव्य लीला राज्य से प्राप्त संकेतों के आधार पर होता था। बाई के पावन कलेवर में समय समय पर अनेक सखियाँ मंजरियों का भावावेश हुआ करता था और ये दिव्य भाव राज्य के दृश्य दिखलाकर अथवा क्रम बतलाकर बाई को संकेत दे दिया करती थीं और उन्हीं प्राप्त संकेतों के आधार पर बाई ने श्री महिला संघ को सुधारने संभालने का प्रयत्न किया। यहाँ पर बाई की निजी मान्यता का उल्लेख करना आवश्यक लग रहा है। यह श्री महिला संघ हमारे आपके लिए भले ही नारी जाति की हितकारिणी संस्था रह गई हो, परंतु बाई इसे नव वृंदावन ही कहती थी। नव वृंदावन कहने के पीछे भी अनेक कारण हैं। प्रथम तो स्वयं श्री भाई जी ने गोरखपुर में बाई को यह आश्वासन दिया था कि वहीं श्री महिला संघ में वृंदावन का प्राकट्य हो जाएगा, तुम्हारा वास वृंदावन में ही होगा। श्री भाई जी के ये शब्द बाई के लिए मात्र शब्द नहीं थे, अपितु बाई की दृष्टि से श्री भाई जी ने अमोघ आश्वासन दिया था। अपने श्रद्धेय के श्री चरणों पर सर्वथा समर्पित बाई को उनसे जो दृष्टि मिली, उसी का परिणाम था कि बाई अपनी आस्था के अनुसार श्री महिला संघ की चार दीवारी के भीतर रहते हुए भी वृंदावन में वास कर रही थी। दूसरे यह भी दिखलाई दे रहा था कि ब्रजमंडल के अनेक स्थलियों का प्राकट्य वहाँ हो गया है। जहाँ सूर्य है वहाँ दिन होगा ही, जहाँ ब्रज की स्थलियाँ हैं यह ब्रज होगा ही। और अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्री प्रिया प्रियतम के दिव्य भाव राज्य की सखियाँ, मंजरियाँ, सहचरियाँ बाई के माध्यम से संकेत दे दे करके इस नव वृंदावन को सजा संवार रही थीं। क्रमशः संवारते हुए इस आश्रम को बाई अब नव वृंदावन ही कहने लगी। वस्तुतः यह है तो नव वृंदावन ही, और बाई की प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर जो बहनें प्रिया प्रियतम की भाव साधना में लगी हुई थीं, वे बहनें भी नव वृंदावन ही कहने लगीं। परंतु यह नया नाम अंतरंग जनों के लिए था। इस अंतरंग भावमयता को जगत की दृष्टि से बचाना भी आवश्यक था। अतएव जगत में इस स्थान का नाम प्रख्यात हुआ श्री महिला संघ ही। आगे इस पुस्तक में जहाँ जहाँ श्री महिला संघ शब्द आता है, वहाँ वहाँ यह मानकर ही चलना चाहिए कि श्री महिला संघ नाम होते हुए भी नव वृंदावन का ही वर्णन है। अर्थात श्री महिला संघ का अर्थ है नव वृंदावन। श्री महिला संघ के आध्यात्मिक वातावरण को उन्नत बनाने के लिए बाई ने मनाए जाने वाले उत्सवों के आयोजनों में सुधार आदि किए। सर्वप्रथम उन्हीं को संक्षेप में लिखने का प्रयास किया जा रहा है। दो तीन महीनों के एकांतवास में जब शिथिलता आई, तब उनके द्वारा सर्वप्रथम हरियाली तीज का उत्सव प्रमुख रूप से उत्साहपूर्वक मनाया जाने लगा। प्रत्येक उत्सव मनाने में कीर्तन मंडली की सदस्याएं प्रमुख रूप से आगे रहती थीं। इसके अतिरिक्त नव निर्मित भक्त मंडली की चार सदस्याओं का स्थान भी महत्वपूर्ण था। इन चार सदस्याओं के नाम इस प्रकार हैं: सावित्री बाई सुंदरका, सुमित्रा बाई भुवानिया, विमला बाई मस्करा और सुशीला बाई केजरीवाल।
श्री महिला संघ की 18 सदस्यों वाली कीर्तन मंडली के प्रति बाई की दृष्टि असाधारण रूप से दिव्य थी। कीर्तन मंडली के 18 सदस्यों में यदि कोई प्रौढ़ आयु की थी तो कोई अल्पवयस्का किशोरी थी। चाहे प्रौढ़ हो या किशोरी, बाई के लिए सभी परम पूजनियाँ थीं। बाई की दृष्टि में ये 18 प्रिया प्रियतम के भाव राज्य की मंजरियाँ सहेलियाँ थीं, जो भागलपुर के श्री महिला संघ की चार दीवारी के भीतर नव वृंदावन में निकुंजात्मक रसमयता से भरपूर वातावरण का निर्माण करती रहती। बाई उनसे कभी कोई काम नहीं करवाती थी, अपितु उनके आने पर उनके विराजने के लिए स्वयं आसन बिछाती थीं और उन्हें सभक्ति प्रणाम करती थीं। वे सभी निर्दिष्ट वेश के अंदर ही, अर्थात जिसे जो भी नील या पीत परिधान दिया गया हो उसी वेश में बाई के सामने आया करती थी। नव वृंदावन में कीर्तन मंडली की उपस्थिति का अर्थ होता था भाव सरिता का प्लावन। बाई ने सदैव ही उनको सीमातीत सम्मान दिया और उसका सहज परिणाम यह होता था कि इस नव वृंदावन में भाव राज्य का दिव्य वातावरण मूर्तिमान हो उठता था। उत्सव में कलश संस्थापन आदि सारे कार्य कीर्तन मंडली के सदस्यों द्वारा ही होते थे। कलश स्थापना, बाई द्वारा मनाए जाने वाले सभी उत्सवों में कलश स्थापना का विशेष स्थान रहता था। दूसरा था निमंत्रण, तीसरा वाद्य यंत्र, चौथा अखंड कीर्तन, बंधनवार, कदली स्तंभ, नैमित्तिक पूजन, सुसज्जा और फलार्पण, नैवेद्य, दीप अर्चन, झूलन, सत्संग, ढाणी परिवार, षष्ठी देवी पूजन, वस्त्र विधान, उत्सव उमंग, ये सभी चीज़ें। बाई पुस्तकालय पूजन भी करती थी, धूप बत्ती भी, और संकल्प की पूर्णिमा पूर्णता 17 वर्ष की अवधि में बाई के जीवन का प्रवाह मंथर गति से बहता रहा। एकांत प्रियता एवं सार्वजनिकता, इन दो तटों की मर्यादा को स्वीकार करते हुए वह अनवरत प्रवाह इतना मंथर, इतना सौम्य, इतना शीतल था कि समीप आने वाले प्रत्येक नर नारी को अतुल आनंद प्रदान करता रहा। वह जीवन के लक्ष्य श्री प्रिया प्रियतम की ओर दिन रात बहता ही रहा। बाई की अद्भुत और विलक्षण भाव स्थिति को समझ सकना या समझा देना एक बड़ी कठिन पहेली है। भावपूर्ण स्थिति के पहले जो दो विशेषण अद्भुत और विलक्षण दिए गए हैं, ये सप्रयोजन हैं। एक ही आधार में भिन्न भिन्न स्तर एवं विभिन्न प्रकार के असंख्य दिव्य भावों की अभिव्यक्ति के उदाहरण कतिपय ही मिलेंगे। इसलिए बाई को यह दिव्य भाव स्थिति अति अद्भुत और वस्तुतः विलक्षण है। यह अद्भुत तथ्य बाई के जीवन का एक कल्पनातीत सत्य है और सचमुच इस तथ्य को हृदयंगम कर पाना सहज नहीं है। इस तर्कातीत स्थिति पर मात्र विश्वास ही किया जा सकता है। उनके गौर कलेवर में समय समय पर भिन्न भिन्न सखियों, मंजरियों, सहेलियों आदि का आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता था। आविर्भूत मंजरी या सखी या सहेली का जो स्वरूप, जो स्तर, जो रुचि, जो संबंध, जो निष्ठा, जो सेवा होती थी, तद अनुरूप बाई का बोलना, देखना, बैठना, उठना आदि संपूर्ण चेष्टाएं होती थीं। साहित्य में केवल 9 रसों की चर्चा है, किंतु इसी के संबंध में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने मानस में लिखा है, भाव भेद रस भेद अपारा, भावों के रसों के भेद अपार हैं। यह तो संत जगत की मान्यता है और इसी मान्यता से मिलती जुलती बाई की भी एक स्वतंत्र धारा है। इस स्वतंत्र धारा का आधार उनका प्रत्यक्ष अनुभव है। बाई ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी धारा का उल्लेख करते हुए कहा था कि प्रिया प्रियतम के दिव्य राज्य में प्रियतम श्री कृष्ण 16,000 भाव हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी के भी 16,000 भाव हैं और सबकी संज्ञाएँ अलग अलग हैं और सबके स्वरूप भी अलग अलग हैं। इन अगणित भावों में से कभी कोई भाव बाई के कलेवर में प्रायः आविर्भूत होता ही रहता था, जिनकी गिनती संभव है ही नहीं।
अनेक सिद्ध संतों में ऐसा भी पाया जाता है कि वे प्रिया प्रियतम के दिव्य राज्य की जिस किसी विशिष्ट भावधारा में अपने स्वयं को विलीन कर देते हैं, उसी भाव में तद्रूप होकर जीवन आजीवन निमग्न रहते हैं और वही उनकी रसोपासना का स्वरूप रहा करता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।